हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज ऑफ विवेकानंद पब्लिक स्कूल। लास्ट वीडियो में हमने मल्टीप्लाई करना सीखा था कुछ पिक्चर्स की हेल्प से, और कुछ क्वेश्चन की हेल्प से भी हमने सीखा था। आज की इस वीडियो में हम नंबर लाइन की हेल्प से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर 7 × 2, इसको क्या बोलेंगे हम, यहाँ पर इंटू बोलेंगे, ये मल्टीप्लाई का साइन है। तो यहाँ पर हमको 2 का टेबल पढ़ना है, कितने टाइम्स पढ़ेंगे हम, 7 टाइम्स पढ़ेंगे। ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये क्या है, हमारी नंबर लाइन है। तो 2 का टेबल हम कितने टाइम्स पढ़ेंगे यहाँ पर, 7 टाइम्स। और टेबल जब हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 0 से। तो 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 7 टाइम्स। तो 2 वन ज़ा कितना होता है, 2, 2 टू ज़ा 4, 2 थ्री ज़ा 6, 2 फोर ज़ा 8, 2 फाइव ज़ा 10, 2 सिक्स ज़ा 12 और 2 सेवन ज़ा 40। कितने टाइम्स पढ़ा हमने, 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब हमने कितनी टाइम्स जंप किया, 7 टाइम्स। और लास्ट में जिस नंबर पर हमने स्टॉप किया है, जो जिस भी नंबर पे हम स्टॉप होंगे वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पर हम किस नंबर के ऊपर स्टॉप किया हमने, 14 नंबर्स के ऊपर। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, 14। और 7 का टेबल यदि हम डायरेक्ट भी पढ़ते हैं बिना नंबर लाइन की हेल्प से, तो अभी हमारा कितना आएगा, 2 7 जा 14। अब यहाँ पर सेकेंड वाला देखेंगे, 5 × 2। यहाँ पर हम किसका टेबल पढ़ेंगे, फिर से हम 2 का टेबल पढ़ेंगे 5 टाइम्स। यहाँ पर जो भी नंबर लिखा रहेगा उसका टेबल पढ़ेंगे, यदि यहाँ 3 होता तो 3 का, 4 होता तो 4 का, और यहाँ पर जो भी नंबर लिखा रहेगा उतनी टाइम्स हमको पढ़ना है। तो यहाँ पर हम 2 का टेबल पढ़ेंगे 5 टाइम्स, और स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 0 से। 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 2 थ्री ज़ा 6, 2 फोर ज़ा 8 और 2 फाइव ज़ा 10। कितने टाइम्स जंप किया, 1 2 3 4 5। 5 टाइम जंप करने पर हमको क्या मिला, 10। तो ये 10 क्या है, हमारा आंसर है। 2 फाइव ज़ा कितना होता है, 10 होता है। और यदि आपको टेबल नहीं आते हैं, यदि आप टेबल भूल रहे हो, तो आप कैसे कर सकते हो, जैसे 2 का टेबल पढ़ना है आपको 5 टाइम्स, तो हर नंबर को आप 2-2 नंबर काउंट करते जाइए और जंप करते जाइए। जैसे यहाँ पर हमने 0 से जंप किया, किस नंबर पर, 2 नंबर पर। क्यों किया पहले 2 नंबर पर, क्योंकि हम यहाँ पर 2 का टेबल पढ़ रहे हैं। यदि हम यहाँ पर 3 का टेबल पढ़ते तो हम डायरेक्ट पहले किस 0 से किस नंबर के ऊपर जंप करते, यहाँ पर 3 नंबर के ऊपर। पर अभी हम यहाँ पर 2 का टेबल पढ़ रहे हैं, तो डायरेक्ट हम पहले किस नंबर के ऊपर जंप करेंगे, 2 नंबर के ऊपर। अब 2 के बाद हम फिर से जब जंप करेंगे, तो आप 2 नंबर काउंट कर लीजिए 2 के बाद, 1 2 2, जिस नंबर के ऊपर आ रहा है उस नंबर के ऊपर हम जंप करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4, तो हमने 4 नंबर के ऊपर जंप किया। अब 4 नंबर के बाद फिर से हम 2 नंबर काउंट करेंगे, 1 2, तो यहाँ पर 2 आ रहा है 6 नंबर के पास, तो हम डायरेक्ट 4 से किस नंबर के पास जाएंगे, 6 नंबर के पास। फिर 6 के बाद फिर से काउंट करिए 2 नंबर, 1 2, तो 2 कहाँ आ रहा है हमारा, 8 नंबर के पास, तो हम किसके ऊपर जंप करेंगे, 8 नंबर के पास। इस टाइप से हम कर सकते हैं। अब थर्ड वाला देखिए, यहाँ पर 3 × 6, यहाँ पर हमको 6 का टेबल पढ़ना है, कितने टाइम्स पढ़ना है, 3 टाइम्स। तो 0 से हम यहाँ 6 का टेबल पढ़ रहे हैं, तो हम डायरेक्ट 0 से किस नंबर के ऊपर जंप करेंगे, 6 नंबर के ऊपर। ये फर्स्ट जंप किया हमने 6 नंबर के ऊपर। अब 6 के बाद हम फिर से काउंट कर लेते हैं 6 नंबर, 1 2 3 4 5 6, कहाँ आ रहा है, 12 के पास, तो ये हम 12 के पास जंप करेंगे। और 12 के बाद हमको कितनी टाइम्स पढ़ना है, 3 टाइम्स, यानी कि हमें 3 टाइम्स जंप करना है। तो 12 के बाद हम फिर से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, किस नंबर के पास आ रहा है, ये 18 नंबर्स के पास। तो हम 18 नंबर्स पर स्टॉप हुए हैं, तो 18 हमारा क्या है, आंसर होगा ये। 6 वन जा 6, 6 टू जा 12, 6 थ्री जा 18, तो 18 हमारा क्या है, आंसर होगा। इस टाइप से हम नंबर लाइन की हेल्प से मल्टीप्लाई सीखेंगे इस वीडियो से। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।